हम अक्सर एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के नियमों को जान चुके हैं। टी, जेड, यू, वी, ई, एस और ए में कुछ अक्षरों से वही प्रतिरूप प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। ये अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम टी, जेड, यू, वी, ई, एस और ए के नियमों को लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि टी के लिए 2n, जेड के लिए 3n, यू के लिए 3n, वी के लिए 2n, ई के लिए 5n, एस के लिए 5n और ए के लिए 6n हमारा नियम है। एल का नियम हमने पढ़ा है, एल का नियम 2n था। इस प्रकार हम देखते हैं कि टी, वी और एल का नियम एक जैसा है। टी और वी अक्षरों से वही प्रतिरूप प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था, क्योंकि इन सभी में तीलियों की संख्या 2 है। किसी परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट्स हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेट्स की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और कैडेट्स की संख्या को दर्शाया गया है। यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या 1 है तो कैडेट्स की संख्या 5 होगी। यदि पंक्तियों की संख्या 2 है तो कैडेट्स की संख्या 10 होगी, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में कैडेट्स की संख्या 5 है। 2 × 5 = 10। यदि पंक्तियों की संख्या 3 है तो कैडेट्स की संख्या हमारे पास 15 होगी। पंक्तियों की संख्या 4 है तो कैडेट्स की संख्या 20 और यदि पंक्तियों की संख्या 5 है तो कैडेट्स की संख्या 25। इस प्रकार पंक्तियों की संख्या को हम 5 से गुणा करके कैडेट्स की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या n है तो कैडेट्स की संख्या 5 गुना पंक्तियों की संख्या होगी। 5 गुना n, हमें गुणनफल 5n प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा जो नियम होगा वो 5n होगा। एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। b हमारा चर है। यदि हमारे पास पेटियों की संख्या 1 है तो आमों की कुल संख्या 1 × 50 = 50 होगी, क्योंकि प्रत्येक पेटी में 50 आम हैं। यदि पेटियों की संख्या 2 है, आमों की कुल संख्या 2 × 50 = 100 होगी। यदि पेटियों की संख्या हमारे पास 3 है तो आमों की कुल संख्या 3 × 50 = 150 होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि हमारे पास पेटियों की संख्या दी हुई है तो हम आमों की कुल संख्या के लिए पेटियों की संख्या को 50 से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास पेटियों की संख्या b है तो आमों की कुल संख्या 50 × b 50 b होगी। ये हमारा नियम होगा। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग कीजिए। हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक विद्यार्थी को मिली पेंसिल और कुल पेंसिलों की संख्या को दर्शाया गया है। हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 1 है और प्रत्येक विद्यार्थी को मिली पेंसिल 5 हैं, तो कुल पेंसिलों की संख्या 1 × 5 = 5 होगी। यदि विद्यार्थियों की संख्या 2 है और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिलती हैं तो कुल पेंसिलों की संख्या 2 × 5 = 10 होगी। विद्यार्थियों की संख्या 3 है और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिलती हैं तो कुल पेंसिलों की संख्या 3 × 5 = 15 होगी। इसी प्रकार यदि विद्यार्थियों की संख्या s है और प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल मिलती हैं तो हम इनकी गुणा करके कुल पेंसिलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। s और 5 की गुणा हमारे पास 5s होगी। यह हमारा नियम होगा। उसके बाद हमें पूछा गया है
यदि एक चिड़िया एक मिनट में एक किलोमीटर उड़ती है, क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? मिनटों में उड़ने के समय के लिए टी का प्रयोग कीजिए। इसके लिए भी हम एक सारणी बनाते हैं। चिड़िया एक मिनट के समय में एक किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दो मिनट के समय में दो किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तीन मिनट के समय में तीन किलोमीटर और चार मिनट के समय में चार किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हम देखते हैं संख्यात्मक रूप से जो समय है वो मिनटों में है और वही हमारी दूरी है जो किलोमीटर में है। यदि समय हमारे पास टी मिनट है तो दूरी टी किलोमीटर होगी। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। रंगोली से हमारा अभिप्राय है खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना। उसके पास एक पंक्ति में आठ बिंदु हैं, आठ पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि आठ पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे और यदि दस पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? हम एक सारणी बनाते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में बिंदु और बिंदुओं की कुल संख्या को दर्शाया गया है। यदि पंक्तियों की संख्या एक है और प्रत्येक पंक्ति में आठ बिंदु हैं तो बिंदुओं की कुल संख्या एक गुणा आठ आठ होगी। यदि पंक्तियों की संख्या दो है, प्रत्येक पंक्ति में आठ बिंदु हैं, तो बिंदुओं की कुल संख्या को दो और आठ के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाएगा जो सोलह होगा। पंक्तियों की संख्या तीन, प्रत्येक पंक्ति में बिंदु आठ हैं, तो तीन और आठ के गुणनफल द्वारा कुल बिंदुओं की संख्या को ज्ञात किया जाएगा जो चौबीस होगी। इसी प्रकार यदि हमें पंक्तियों की संख्या आठ दी हुई है और प्रत्येक पंक्ति में बिंदु आठ हैं, तो बिंदुओं की कुल संख्या आर और आठ का गुणनफल होगा जो हमारे पास आठ आर होगा। यदि पंक्तियों की संख्या आठ है, प्रत्येक पंक्ति में बिंदु आठ, तो बिंदुओं की कुल संख्या आठ गुणा आठ होगी जो चौंसठ होगी। यदि पंक्तियों की संख्या हमारे पास दस है, प्रत्येक पंक्ति में आठ बिंदु हैं, बिंदुओं की कुल संख्या दस गुणा आठ होगी जो अस्सी होगी। यहाँ जो हमारा नियम है वो आठ आर है। हम आर की जगह कोई भी मान रख सकते हैं क्योंकि आर हमारा चर है। यदि हम आर की जगह आठ रखते हैं तो गुणा हमारे पास आठ गुणा आठ चौंसठ होगी। यदि आर का मान हम दस रखते हैं तो आठ गुणा दस अस्सी होगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास पंक्तियों की संख्या सौ है तो कुल बिंदुओं की संख्या आठ गुणा सौ आठ सौ होगी। अब हमें दिया गया है लीला राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से चार वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु x वर्ष है। आप इसे अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं। यदि आप अपने भाई या बहन से चार वर्ष बड़े हैं और आपको आपकी आयु का पता है तो आप उसमें से चार को घटाकर अपने भाई या बहन की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप 15 वर्ष के हैं और आपका भाई या बहन आपसे चार वर्ष छोटा है तो उसकी आयु 15 घटा चार 11 वर्ष होगी। यहाँ हमें राधा की आयु x वर्ष दी हुई है और लीला की आयु राधा की आयु से चार वर्ष कम है, तो लीला की आयु राधा की आयु में से चार घटाने पर प्राप्त हो सकेगी। अब हमें लीला की आयु ज्ञात करनी है। राधा की आयु x वर्ष दी हुई है और वह उससे चार वर्ष छोटी है, तो x घटा चार लीला की आयु होगी। उसके बाद हमें दिया है माँ ने लड्डू बनाए हैं। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी पांच लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? यहाँ आपको लड्डू दिखाए गए हैं। इसे भी आप अपने परिवार से जोड़कर देख सकते हैं। यदि आपके घर में मेहमान आते हैं और आपने उन्हें 10 लड्डू बांट दिए और पांच लड्डू शेष हैं तो आप बता सकते हैं कि आप कितने लड्डू लाए थे। आप 15 लड्डू लाए थे।
इसी प्रकार हमें प्रश्न में दिया गया है, माँ द्वारा मेहमान और परिवार के सदस्यों को बांटे गए लड्डुओं की संख्या L है और हमारे पास शेष लड्डुओं की संख्या 5 है। हमें कुल लड्डुओं की संख्या ज्ञात करनी है जो हम इनके योग से ज्ञात कर सकते हैं। हमें बांटे गए लड्डू और शेष लड्डुओं का योग करना है जो हमारे पास L जमा 5 होगा। उसके बाद हमें दिया है संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भरी जाती हैं और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी में पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं एक बड़ी पेटी में हमें संतरे दिए हैं, उसमें से हमने 2 छोटी पेटियों में संतरों को भरा है और उसके बाद भी हमारे पास 10 संतरे शेष हैं। यदि हम बड़ी पेटी में संतरों की संख्या को ज्ञात करना चाहें, दोनों छोटी पेटियों के संतरों की संख्या को यदि हम शेष संतरों में जोड़ दें तो हमें बड़ी पेटी के संतरों की संख्या ज्ञात होगी। इसके लिए हम लिखते हैं कि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है जो हमें दी हुई है, 2 छोटी पेटियों में हमने संतरों को डाला है तो 2 छोटी पेटी में संतरों की संख्या 2 गुना x 2x होगी और शेष संतरों की संख्या हमारे पास 10 है। एक बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, दोनों छोटी पेटियों में संतरों की संख्या और शेष संतरों का योग होगी जो 2x जमा 10 होगी। उसके बाद हमें दिया गया है कि तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए प्रतिरूपों को देखिए, ये वर्ग अलग अलग नहीं हैं, 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। हमें यहाँ पर एक वर्ग दिया गया है, उसके बाद 2 वर्ग, फिर 3 वर्ग और अंत में 4 वर्ग हमें दिए गए हैं। हमें इनका आवश्यक नियम लिखना है। यदि हम अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें तो हमें C का प्रतिरूप प्राप्त होगा और C के प्रतिरूप के बारे में हमने पढ़ा है। सबसे पहले आप देखिए, पहले वर्ग की तीली हटाई तो हमें C प्राप्त हुआ, दूसरे वर्ग की तीली हटाने पर भी हमें C का प्रतिरूप प्राप्त होता है, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा। हमने एक एक तीली को हटाया तो हमें वही प्रतिरूप प्राप्त हुआ जो प्रतिरूप C से प्राप्त हुआ था। यदि C की संख्या हमारे पास n चर से लें तो हमें नियम 3 गुणा n 3n प्राप्त हुआ था, क्योंकि एक C में हमें आवश्यक तीलियों की संख्या 3 प्रयोग की थी। अब हमारे पास C के प्रतिरूप से एक तीली अधिक है। आप देख सकते हैं यदि एक तीली हम अधिक लगाएं तो हमें वही रूप प्राप्त होगा जो हमें दिया गया था। ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। कहने का अभिप्राय यह है, इनका नियम ज्ञात करने के लिए हमें C के प्रतिरूप में एक तीली और जोड़नी है। तो आवश्यक तीलियों की संख्या 3 गुणा n जमा 1 होगी जो 3n जमा 1 है। n एक चर है जो कोई भी मान 1, 2, 3, 4 इत्यादि ले सकता है। आप n का मान रख के तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यदि n का मान 1 लें तो 3 गुणा 1 3 जमा 1 4 तीली होंगी। n का मान 2 रखने पर 3 गुणा 2 6 जमा 1 7 तीली प्राप्त होंगी। इस प्रकार आप इनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर M, L, P, X, Y, Z इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर से जानें। हमने सीखा कि बीजगणित या एलजेब्रा किसे कहते हैं।
गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं के साथ अक्षरों का प्रयोग करते हैं वह हमारा बीजगणित या अलजेब्रा है। हमने चरों के उदाहरण पढ़े और माचिस की तीलियों के प्रतिरूप देखे। प्रतिरूप लिखने के लिए हमने नियमों को सीखा जिससे हम कोई भी अक्षर तीलियों की सहायता से लिखकर उसका नियम ज्ञात कर सकते हैं। आशा है आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बीजगणित के बारे में सीखेंगे।